तीसरा एंशियंट वेपन यूरेनस किसके पास है और वेगापंक गोल्डी रॉजर के बारे में क्या जानता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कॉज फाइनली वन पीस चैप्टर 1116 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जैसा कि वेगापंक ने लास्ट चैप्टर में कहा था कि 800 साल पहले जो वॉर शुरू हुआ था ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो चीज बहुत ही शॉकिंग थी। और इसलिए चैप्टर स्टार्ट होते ही सभी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कॉज जो लोग 800 साल पहले वॉर में थे अब तक तो वो लोग मर चुके होंगे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। फिर हम इमू को भी देख सकते हैं जो इस चीज को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो कंटिन्यूसली एक लड़की की तस्वीर को घूरे जा रहा है जो एग्जैक्टली विवी जैसी दिखती है। और इमू उसे इसलिए घूर रहा है कॉज उसी की वजह से आज वेगापंक को हिस्ट्री का पता चला और वो दुनिया के सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट की असलियत ला रहा है। कॉज लिली वो पर्सन थी जिसने सारे पोनीग्लिप्स को दुनिया में स्प्रेड किया था। और हम अलावास्ता का भी सीन देखते है जहाँ पर हम कुछ लोगों के रिएक्शंस भी देख सकते हैं जो विवी के मिसिंग पोस्टर को लेकर है। और वेगापंक साथ में ये भी रिवील करता है कि उसके पास जो मदर फ्लेम है ना कुछ समय पहले उसका कुछ हिस्सा चोरी हुआ था और उसे एक एंशियंट वेपन में एज अ फ्यूल यूज किया गया था। और ये एंशियंट वेपन सिर्फ यूरेनस हो सकता है कॉज प्लूटोन तो वानो में है और शिराहोशी को फ्यूल की जरूरत नहीं। और शायद आप लोगों ने अब तक गेस कर भी लिया होगा कि यूरेनस का यूज किसने और कहां किया था, अगर हाँ तो कमेंट में लिख दो। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यूरेनस का यूज इमू ने लुलुशिया किंगडम पे किया था। और इससे ये साबित होता है कि यूरेनस वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ही है और इसलिए उनके लिए मदर फ्लेम इतनी इम्पोर्टेंट है। और शायद अब तक आप लोगों ने ये भी गेस कर लिया होगा कि इमू को मदर फ्लेम किसने चुरा के दी थी, हाँ वही गद्दार पंक यॉर्क। बट यॉर्क ये जान के बहुत हैरान है कि वेगापंक को मदर फ्लेम की चोरी के बारे में कैसे पता चला। और इसी के बारे में सोचते हुए यॉर्क को ये भी समझ आ जाता है कि वेगापंक ने ब्रॉडकास्ट वाला डेंडेन मुशी कहाँ रखा होगा, इसलिए वो फोरन गोरोसे को कॉल करके उसकी लोकेशन के बारे में बता देती है। और हम एडिसन और स्टसी को भी कुछ डिस्कशन करते हुए देख सकते हैं, शायद वो लोग भी मदर फ्लेम के बारे में ही बात कर रहे होंगे। वेगापंक ये भी रिवील करते हैं कि वर्ल्ड सेंचुरी से जुड़ी बहुत सी मिस्ट्रीज है, बट ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप है जो आज तक उन सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाया है। बट पूरी सच्चाई जानने के बाद भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया और वो ग्रुप और कोई नहीं बल्कि हमारे पायरेट किंग गोल्डी रॉजर और उसका क्रू है। और वेगापंक ऐसे कहते हैं, हम साबोड़ी का सीन देख सकते हैं जहाँ शैकी के बार में रैली बैठा है और वो बहुत ही ड्रंक है और वो कहता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। बट वेगापंक जैसे बूढ़े लोगों को यंग लोगों का फन ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए, सही कहा ना मैंने रॉजर? मतलब देखो गाइस, सीन ऐसा है कि रेली को भी वर्ल्ड सेंचुरी और उसके सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, बट वो किसी को भी ये चीजें नहीं बताता कॉज उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हर किसी को खुद ढूंढनी चाहिए और उसके बाद खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि कौन सही था, जॉय बॉय या इमू, ना कि किसी और की बातें सुनकर अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। और शायद नेक्स्ट वीक ब्रेक होगा।